कमेटी मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी चिकड़ी के शौकीन श्रोता सजनों, ये चिकड़ी प्रतियोगिता का आपके बीच में तीसरा दौर जारी है। और सुनिए, समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां कि मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा। इधर में लगाएंगे अपने ध्यान को। जिस समय द्रौपदी का जो भाई था दृष्टद्युम्न, मौका पाकर के गुरु द्रोणाचार्य के शीश को जब काट लिया, ये सूचना अर्जुन ने सुनी। अर्जुन आ गए और अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि जिसने आज मेरे गुरु को बेरहमी से मारा है, मैं उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं। इतने वचनों को सुना भीमसेन ने। भीमसेन कहां पहुंच गए? रानी द्रौपदी के पास जाकर के पूरी कहानी को बता दिया कि आज जिसने हमारा साथ दिया उसी को अर्जुन भैया ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। रानी द्रौपदी और अर्जुन के पास आ गई। अर्जुन से कहा, स्वामी हे प्राणनाथ, क्या यह सच है जो आज मैं सुन रही हूँ कि जिसने हमारा साथ दिया है उसी को मारने की आपने प्रतिज्ञा कर ली है? इतने वचनों को सुना अर्जुन ने कहा, पगली, गुरु शब्द को ज्ञान न तोकू, गुरु शब्द को ज्ञान न तोकू, तू ज्यादा बात बनाए रही है, अरे आग लगा रही पानी में तो नेक सर मनाए जा रही है। तू जानती है गुरु किसे कहते हैं? इतने वचनों को सुना और रानी द्रौपदी ने कहा है अर्जुन से, स्वामी मैं जानती हूं। जग में कर्मन को है ले
आदरणीय महानुभावों, आज रानी द्रौपदी ने कहा, स्वामी गीता का ज्ञान होते हुए भी आप गलत रास्ते पर चलना चाहते हो। अर्जुन को होश हो गया, लेकिन हुआ क्या भैया, सो भैया मेरे ये आगे सुनो भैया, धन्य है व्रज के रखवारे। सजनों अर्जुन कह रहे ये धन्य है ब्रज के रखवारे, पांडवा दे रहे जयकारे। Hey!